नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड और सूजी से बने बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो वीडियो देखिए, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल रखते हैं 100। तो आज के नाश्ते की रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 ब्रेड के स्लाइस, और यहाँ पे लिया है 1/2 कप सूजी। 1 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे हम पतले स्लाइस में काट लेंगे। थोड़ा सा लेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। तो चलिए शुरू करते रेसिपी, और जो बाकी चीज़ें लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूँगी। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को हम पहले गर्म कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे कटे हुए प्याज। प्याज को हम 2 मिनट के लिए पहले हल्का फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्का जब लाइट ब्राउन हो जाए तब हम प्याज को निकाल लेंगे। बस 2 मिनट मीडियम फ्लेम में इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। एक बार ये रेसिपी बना के ज़रूर देखिएगा, शाम के टाइम नाश्ते में आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। 2 मिनट प्याज को फ्राई कर लिया है, इससे ज़्यादा प्याज का कलर और चेंज नहीं करेंगे हम। निकाल लेंगे हम 1 प्लेट में प्याज को। पैन में डालेंगे हम 1 कप पानी। डालेंगे हम यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे नमक स्वादानुसार, और डाल देंगे हम यहाँ पे 1/2 कप सूजी। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम अभी लो पे रखेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स। अब हम ब्रेड और सूजी को अच्छे से मिक्स करते हुए पूरी तरीके से ड्राई हो जाने तक चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे है। स्नैक्स को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला, और साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे फ्राई किए हुए प्याज। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने पानी डाला था वो अच्छे से सूजी और ब्रेड में मिक्स हो चुके हैं। गैस का फ्लेम अभी हम बंद कर देंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 प्लेट में निकाल के पूरी तरीके से हम पहले ठंडा करेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जो चाट मसाला प्याज डाला है उसे हमें पहले मिक्स करना है। 1/2 कप सूजी के लिए हम यहाँ पे 1 कप पानी लेंगे, उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो बस स्पैचुला से हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम 1 प्लेट में इसे निकाल लेते हैं, और जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, हल्का जब ठंडा हो जाए हम एक बार इस तरीके से मैश कर लेंगे। थोड़ा टाइट हाथों से करेंगे, देखिए बस 1 मिनट हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम थोड़ा सा हथेली में लगाएंगे तेल, और इस तरीके से हम उठाएंगे बैटर को, और थोड़ा सा इस तरीके से टिक्की के शेप में बना लेंगे। छोटे बड़े साइज आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए इसी तरीके से हमें सभी बना लेना है। हथेली में तेल इसलिए लगाएंगे क्योंकि सूजी डाला है और काफ़ी ज़्यादा ये चिपचिपा है। देखिए बहुत ज़्यादा मोटे हम नहीं करेंगे, आप देख सकते हो इसका थिकनेस कैसा है। आप लंबा भी बना सकते हो। देखिए
तो सभी हम इसी तरीके से पहले बना लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। तो सभी टिक्की मैंने बना लिया है और आधे कप सूजी, दो ब्रेड से हमारे काफ़ी सारे यहाँ पे टिक्की बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप यहाँ पे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे और एक एक करके हम सभी टिक्की डाल देंगे। 4-5 मिनट दोनों तरफ से पलट पलट के हम फ्राई कर लेंगे, जब तक अच्छे से फ्राई ना हो जाए, कलर चेंज ना हो जाए। मैंने यहाँ पे बड़ा पैन का यूज़ किया है ताकि एक बारी में सभी फ्राई हो जाए। सभी टिक्की डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम करके फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है हमें, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। बहुत ही कम तेल में ये बनके तैयार हो जाता है और चाय के साथ, किसी भी चटनी, टमाटो केचप के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम में एक तरफ 2 मिनट पहले फ्राई करेंगे। 1.5-2 मिनट बाद एक एक करके सभी पीस को हम पलट देंगे। दूसरी तरफ भी हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। सभी पीस को मैंने पलट दिया है। अब हम 2 मिनट इस तरफ भी फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद फिर से मैंने एक बार सभी पीस के साइड चेंज कर दिया था और आप देख सकते हो दोनों ओर से अच्छे से फ्राई हो गया है। और दोनों तरफ से फ्राई करने में हमें टाइम लगे 7 से 8 मिनट का। अब हम निकाल लेंगे सभी पीस को। तो तैयार है हमारे 2 से 3 चम्मच तेल में बहुत ही टेस्टी नाश्ता। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और आप देख सकते हो सभी पीस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कलर चेंज हो गया है। निकाल लेंगे हम और आपको ये देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में भी आपको उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हम इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फिर ये नाश्ते की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। अगर आज की रेसिपी थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।